का जूम कर करके परमेश्वर थक जाए, तुम नजर ना आओ। हम देखते ना फोटो खींच के उसको जूम करके, फिर वो फीकी पड़ जाती, फिर वो ब्लर हो जाती। इंसान इतना छोटा कि अगर परमेश्वर कैमरे से देखना चाहे तो ब्लर भी फट जाएगा, ब्लर का भी ब्लर आ जाएगा। तुम इतने छोटे जीव जंतु के बराबर, कीड़े के बराबर हो। तुम्हें प्रूफ करने के लिए परमेश्वर करे कुछ। विरोधी को भी देखता है कि वो बच जाए, वो भी तौबा कर ले। हालेलुया। पुराने समय में परमेश्वर ने बहुत बार साबित किया, आग का खंबा, सुबह सुबह उनको मन्ना मिलता था, बादल परमेश्वर के उनके पीछे पीछे चलता था। तब भी लोगों ने यकीन नहीं किया, देखकर भी नहीं किया कई लोगों ने, तभी पाप में चले गए, व्यभिचार में चले गए। तो जीसस ने कहा अब मैं आखिरी बार एक प्रूफ दूंगा, तुम्हारे पापों के लहू को बहाऊंगा, तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खाऊंगा, क्रूस पर अपनी जान दे दूंगा। अब जो कोई उस क्रूस पर विश्वास करेगा उसकी शर्मिंदगियां मिटाई जाएंगी, उसके पाप मिटाए जाएंगे। दैट्स इट। अब तुम्हें विश्वास करना है और जीसस के पीछे आना है। वो तुम्हें प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करने वाला। तुम इतने छोटे हो गए, तुम्हारा ब्लर भी ब्लर हो जाए, फट जाए वो, तुम फोटो से ही बाहर हो जाओ। धरती इतनी छोटी है कि 13 लाख धरतियां सूर्य में समाती हैं। सूर्य इतना छोटा है कि करोड़ों खरबों सूर्य गैलेक्सी में समाते हैं। गैलेक्सी इतनी छोटी है कि खरबों खरबों गैलेक्सियां यूनिवर्स में समाती हैं। और उसके बाद यूनिवर्स इतना छोटा है कि हजारों लाखों करोड़ों यूनिवर्स हैं, उसके आगे कहते भी खोजा नहीं। मतलब अगर जितनी मैं बातें मैंने बोली, अगर धरती को उसके सामने साइज लगाए तो हम पेन से बिंदु भी नहीं बना पाएंगे। धरती का बिंदु भी धरती से बड़ा है। माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा उसको, जैसे दही में कीटाणु होते हैं, एक कीटाणु के समान होगी धरती। और उस छोटी सी धरती का एक छोटा सा कीड़ा परमेश्वर को बोले, आपको लगता है परमेश्वर उसकी परवाह करेगा? लेकिन वो सबसे प्यार करता है, दैट्स इट। इसलिए वो शांत रहता है, इसलिए वो मारता नहीं, वो जल्दी नष्ट नहीं करता, वो विलंब से क्रोध करता है और जल्दी दया करता है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर मुझे यह मालूम है कि मेरे पास एक जीवित परमेश्वर है, नीति वचन 18 उसकी 2 में लिखा है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह तो केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। कहता मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। तो तू बड़े कामों को देखेगा। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। तुम बिलीव करते हो परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में बड़े काम करेगा? क्योंकि एक क्रिश्चियन व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना करता है अपने देश के लिए, उस देश के पॉलिटिशियंस के लिए, चाहे वो उसके विरोधी क्यों ना हो। हालेलुया। जब जब क्रिश्चियनिटी में लोग कट्टर होंगे, वो तलवार उठाएंगे नहीं, खा लेंगे। तो शुक्र करो लोग क्रिश्चियनिटी में कट्टर हो रहे हैं। अगर कट्टर ना होते तो तलवारें उठ गई होती अब तक। ये क्रिश्चियनिटी की खूबसूरती है कि ये देश के साथ वफादार रहते हैं, समाज के साथ वफादार रहते हैं, स्कूल्स इनके हैं, कॉलेजेस इनके हैं, सब समाजधारी सेवक संस्थाएं दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इनकी हैं। जितनी दुनिया सबसे बड़ी संस्थाएं जो चैरिटी करती हैं, क्रिश्चियन अगर इकट्ठी कर ली जाए तो बूंद भी नजर नहीं आएगी दूसरे लोगों की। मैं आपको बता रहा हूं, बूंद भी नहीं लगेगी आपको। बड़े बड़े मेडिकल सर्चिस क्रिश्चियन लोगों के पैसों से हो रही है।
कैंसर की दवाइयों की सर्च क्रिश्चियन लोगों के पैसे से हो रही है। अफ्रीका में लाखों करोड़ों रुपए खर्चा जाता है हर साल उनकी बेहतरी के लिए, कौन दे रहा है? क्रिश्चियन बिजनेसमैन। एक समय था पंजाब में बड़ा विरोध हो रहा था, बहुत तगड़ा विरोध चल रहा था। उस समय किसी खास जो विशेष व्यक्ति थे जो विरोध कर रहे थे, उन्हीं का एक प्रचारक, उसका इलाज मैं करवा रहा था हॉस्पिटल में उस समय। लेकिन मैंने उस समय कभी मेंशन नहीं किया, मैंने कहा यह हमारा काम नहीं। अगर मैं फिर बेइज्जती करने पे आता या बोलता कि तुम कहां हो भाई, मैंने कहा नहीं, जीसस ऐसा नहीं सिखाता, वो धर्म नहीं देखता, वो सिर्फ प्यार करता। वो किसी भी धर्म जाति का हो, वो कहेगा आ जा, मैं तेरा उद्धार करूंगा। और वो बंदे ने प्रार्थना नहीं मांगी, उसने नहीं कहा मेरे लिए प्रेयर कर दो, उसने चर्च में आके मांगा कि मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दो। मैंने कहा कर देते, नो प्रॉब्लम, जैसा तेरा विश्वास है वैसा हो जाएगा। अगर तू प्रार्थना के लिए कहता मैं प्रार्थना करता, लेकिन अगर तेरा विश्वास किसी दूसरे धर्म के ऊपर है और तू सिर्फ हेल्प लेने के लिए आया है, तो एज ए पड़ोसी, एज ए नेबर मैं तेरी हेल्प करूंगा। और किसी को नहीं बताया, नेवर। उस समय तो ये मुद्दा उठा सकते थे, नेवर। जीसस ने ऐसा नहीं सीखा, उसने कहा जो तेरे अंदर है वो तेरे बाहर आएगा। अगर नफरत अंदर भरी है तो बाहर आएगी, अगर प्रेम है आपके अंदर